गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए पोइम ऑफ क्लास 10+1, फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जैनिंग। तो इसको पहले हम स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दाउ वी हैव लिव्ड टूगेदर नाउ, कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाया दाउ वी हैव लिव्ड टूगेदर नाउ, लेकिन यद्यपि जो है हम साथ साथ या इकट्ठे जो है रहे हैं, इन द सेम हाउस, एक ही घर में, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में नहीं जानता, सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, और एक ऐसा संबंध जो है दोबारा से निर्मित करने की कोशिश करता हूँ जैसा संबंध हमारा जब ये बच्चा था तब हुआ करता था, तो ऐसा संबंध मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट एंड सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, कि यट हैव आई किल्ड, यद्यपि मैंने मार दिया है द सीड, उस बीज को, आई स्पेंट, जिसको मैंने खर्च किया था, और सोन इट, और उसको बोया था, वेयर द लैंड इज हिज, जहां पर धरती भी उसी की थी, एंड नन ऑफ माइन, और मेरी नहीं थी। यहाँ पे इस बात का कहने का मतलब क्या है कि मैंने उस प्यार को समाप्त कर दिया है। ये एक पिता कह रहा है कि मैंने उस प्यार को समाप्त कर दिया है जिस प्यार के बीज को मैंने उसके अंदर या उसके दिल में जो है बोया था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि हम जो है अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और इस हवा में कोई भी चिन्ह जो है वो समझ का प्रतीत नहीं होता। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, कि ये बच्चा जो है मेरे ही अनुरूप निर्मित हुआ है। यट वट ही लव्स आई कांट शेयर, लेकिन फिर भी जिस चीज से प्यार करता है आई कांट शेयर, मैं उसको साझा नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं है कि ये चाहता क्या है। साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस जो है वो चुप्पी जो है वो छाई हुई है हमारे चारों ओर। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडिगल सन जो है, प्रोडिगल यहाँ पे बाइबल से लिया गया है, बाइबल में कोई बेटा जो है वापिस लौट के आता है पछता के, तो आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो एक बेटा पछताकर जो है वापिस लौट आता है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो भी उसी बेटे की तरह जो है अपने पिता के घर वापिस लौट आए, द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, इसकी बजाय कि वो यहाँ से जाए और अपना खुद का संसार जो है वो बनाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि मैं भी उसको जो है माफ कर दूंगा, सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और दुख से जो है एक नए प्यार का निर्माण जो है करते हुए। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, कि पिता और पुत्र हम दोनों को रहना है, ऑन द सेम ग्लोब, सेम ग्लोब, एक ही संसार में, एंड द सेम लैंड, और एक ही धरती पर। ही स्पीक्स, वो कहता है, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका माई सेल्फ, खुद को, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि जो एंगर है, गुस्सा है, वो गुस्से से दुख में कब बदल गया, या दुख जो है गुस्से से, दुख से जो है गुस्से में कब बदल गया। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, कि हम दोनों के हाथ जो है वो खाली हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ाते हैं, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ये इच्छा करते हुए कि कुछ ना कुछ हम जो है एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम माफ कर दें। इसकी डिटेल समरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। दिस पोइम इज कमेंट ऑन रिलेशनशिप इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो कविता है वो इस संसार की, जो आधुनिक संसार के रिश्ते हैं उनके ऊपर एक व्यंग है, टिप्पणी है,
इन दिस पोइम ए फादर इज स्पीकिंग, इस कविता में एक पिता जो है वो बोल रहा है, ही एंड हिज सन हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कि काफी वर्षों तक वो और उसका पुत्र एक ही घर में जो है रहे हैं, येट देर इज ए काइंड ऑफ गैप बिटवीन देम, लेकिन फिर भी एक दूरी जो है वो उनके उनके संबंध में या उनके बीच आ गई है, द सीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज आइदर डेड और इट इज सोन ऑन ए स्ट्रेंज लैंड विच बिलोंग्स टू हिज सन ओनली, कि जो अंडरस्टैंडिंग समझ का बीज है या तो वो खत्म हो गया है या फिर किसी अजीब धरती पर या अजनबी धरती पर बोया गया है जो कि उसके पुत्र से संबंध रखती है। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों की तरह बोलते हैं, देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके बीच जो है समझ का कोई चिन्ह नजर नहीं आता, ऑल्दो द सन हैज ग्रोन अप, यद्यपि पुत्र जो है वो बड़ा हो चुका है, द वे हिज सन हिज फादर वॉन्टेड, जिस तरीके से पिता जो है चाहता था, येट द फादर कांट शेयर व्हाट हिज सन लव्स, लेकिन फिर भी पिता जो है उस प्यार को नहीं बांट सकता जो वो उसके बेटे को करता था या करता है। द सन हैज ग्रोन एंड हैज हिज ओन वर्ल्ड एंड डिजायर्स, कि पुत्र का अपना ही जो है वो पुत्र जो है वो बड़ा हो चुका है और उसका खुद का ही संसार, उसने खुद की ही इच्छाएं निर्मित कर ली हैं। द फादर विशेस दैट ही वुड रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस ऑफ मेकिंग ए न्यू वर्ल्ड, तो पिता जो है इच्छा करता है कि उसके बेटे को जो है वापिस अपने पिता के घर आ जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए न्यू वर्ल्ड, बजाय कि कोई नया संसार बनाने के। इफ ही रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस, अगर वो अपने पिता के घर लौटता है, ही वुड फॉरगिव हिम, वो उसको माफ कर देगा, एंड वुड रिवाइव द ओल्ड लव, और दोबारा से जो पुराना प्रेम था उसको लेके आएगा या पुनर्जीवित करेगा, रिवाइव का मतलब है। द फादर सेज दैट ही एंड हिज सन हैव टू लिव ऑन द सेम लैंड, पिता कहता है कि उसको और उसके पुत्र को एक ही धरती पर रहना है, येट दे कांट शेयर देयर थॉट्स, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अपने विचारों को क्यों नहीं बांट सकते। द फादर कांट अंडरस्टैंड वाई हिज ग्रीफ ऑफन चेंजेज इंटू एंगर, पिता जो है वो नहीं समझ पाया कि अक्सर उसका जो दुख है वो गुस्से में क्यों बदल जाता है। दे पुट आउट देयर हैंड्स, वो जो है उनके हाथ जो है, दे पुट आउट देयर हैंड्स, वो अपने अपने हाथ जो है एक दूसरे के बढ़ाते हैं, बट दीज आर एम्प्टी, कि ये खाली हैं, बोथ ऑफ देम विश दैट देयर वर समथिंग टू फॉरगिव, दोनों की जो है एक इच्छा है, दोनों ही चाहते हैं कि वो माफ कर दें एक दूसरे को, बट इट इज नॉट देयर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एंड सो दे कंटिन्यू टू लिव देयर एम्प्टी लिव्स, इसी वजह से वो अपना जो खाली जीवन है उसको जीते रहते हैं। उसके बाद आप जो है स्टेंजा वाले क्वेश्चंस को देख सकते हो, यहाँ पे नेम द पोइम पोइम एंड पोइट, फादर टू सन, और पोइट है एलिजाबेथ जेनिंग, हु डज आई रेफर टू, फादर है इसमें आई, व्हाट डज द स्पीकर वांट, वांट क्या चाहता क्या है, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विद हिज सन, हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस द फादर एंड सन, हाउ लॉन्ग टाइम दे हैव बीन लिविंग टुगेदर, तो फोर ईयर्स काफी वर्षों तक रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट वही है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज मेंशन्ड बिटवीन द फादर एंड द सन, ए वेरी कोल्ड रिलेशनशिप इज मेंशन्ड बिटवीन द फादर एंड द सन, हाउ इज द चाइल्ड बिल्ट, द चाइल्ड इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ हिज फादर, व्हाट कैन द फादर नॉट शेयर विद हिज सन, द फादर कैन नॉट शेयर द थिंग्स विद हिज सन विच द सन लव्स, हाउ डू दे टॉक टू इच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स, तो इस तरीके से। उसके बाद आगे फिर वही फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दे सराउंडेड बाई, दे सराउंडेड बाई साइलेंस, व्हाट डज द फादर वांट हिज सन टू डू, द फादर वांट्स हिज सन टू डू टू रिटर्न टू होम, व्हाट इज द फादर रेडी टू डू, रेडी टू फॉरगिव हिज सन,
रिपेंट का, प्रोडिगल, रिपेंट का मतलब है प्रोडिगल, माफ करना। उसके बाद है नेम द पोइम एंड द पोइट, फादर टू सन, सेम। वेयर मस्ट बोथ ऑफ देम लिव, कहाँ पे उनको रहना चाहिए, कहाँ पे रहेंगे वो, सेम वर्ल्ड और सेम ग्लोब पे रहेंगे, सेम लैंड पे रहेंगे। व्हाट डू दे बोथ ऑफ देम लॉन्ग फॉर, फॉर समथिंग टू फॉरगिव आ जाएगा इसका। व्हाट डज एंगर ग्रो फ्रॉम, कि एंगर कहाँ से, गुस्सा कहाँ से उगता है, एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। ही रेफर्स इन द स्टेंजा, ही रेफर्स इन द स्टेंजा फादर। तो ये कंप्लीट होती है पोइम हमारी यहाँ पे।